यवतमाल जिले के दिग्गज शहर में इन दिनों नगर पालिका प्रशासन द्वारा सख्ती से बकाया टैक्स की वसूली का काम जारी है। मंगलवार को शहर के बड़वाला जिनिंग एंड प्रेसिंग सोसाइटी के कुल 15 गोदामों और दुकानों को सील किया गया। मंगलवार को शहर के बड़वाला जिनिंग एंड प्रेसिंग सोसाइटी के कुल 15 गोदामों और दुकानों को सील किया गया। नगर पालिका मुख्याधिकारी माथुरी मड़ावी ने टैक्स विभाग में कार्यरत अधिकारी और कर्मचारियों को साथ लेकर इस कार्यवाही को अंजाम दिया है। सूत्रों ने बताया कि शहर में इस साल टैक्स वसूली के तहत की गई सीलिंग की यह अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई है। सूत्रों की माने तो बड़वाला जिनिंग एंड प्रेसिंग सोसाइटी की बिल नंबर 1 और 2 पर पालिका के टैक्स की बकाया और सहित ब्याज की कुल 85 लाख से अधिक की राशि शेष थी। बताया जा रहा है कि कई बीते 24 सालों बड़वाला जिनिंग एंड प्रेसिंग सोसाइटी ने टैक्स नहीं भरा है, जिस वजह से यह कार्रवाई की गई है। इस पूरी कार्रवाई के बारे में दिग्रस नगर पालिका की मुख्याधिकारी माधुरी मड़ावी ने जानकारी देते हुए NBC न्यूज चैनल को बताया कि बड़वाला जिनिंग की खुली जगह पर किसानों की खेती माल की हरासी के मद्देनजर बड़वाला जिनिंग का मुख्य गेट सील नहीं किया गया है। किसानों को उनके काम में बाधा ना हो, इसलिए यह कदम उठाया गया है। बड़वाला जिनिंग एंड प्रेसिंग है ना, ही मिल होती है, मिल दोन त्यांच्या हे आहेत, जिनिंग नंबर 1, जिनिंग नंबर 2, त्याच्यामध्ये एकूण टॅक्स आहे 16,42,054 रुपये आणि ह्या याच्यावर व्याज आहे 69,27,738 रुपये आणि 2001 पासून तर 2024 पर्यंत म्हणजे 24 वर्षापर्यंत या लोकांनी टॅक्स भरलेला नाही आणि म्हणून ही टोटल झाली 85,69,792 रुपये एवढं ह्यांच्यावर व्याजासकट टॅक्स आहे। आणि आम्ही सगळे त्यांचे गोडाऊन्स त्यांचे ऑफिसेस सील केलेले आहे आणि मेन गेट जे आहे जिथे शेतकरी येणं जाणं करतात आणि तिथे सकाळी भाजीपाल्याचं ते उलाढाल होते तर तेवढं आम्ही त्यांना त्यांच्यासाठी खुलं ठेवलेलं आहे आणि बाकी सगळे ऑफिसेस त्यांच्या आम्ही सील केले। टैक्स वसूली प्रक्रिया के तहत नगर पालिका द्वारा की गई सीलिंग की यह अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई है। इस कार्रवाई के दौरान जिनिंग एंड प्रेसिंग से संबंधित एक जिम्मेदार पदाधिकारी और एक अन्य कर्मचारी ने मुख्याधिकारी माधुरी मड़ावी को कुछ दिनों की मोहलत देने की बात कही, लेकिन मोहलत देने की बात पर माधुरी मड़ावी ने स्पष्ट किया कि जब तक पालिका द्वारा निर्धारित टैक्स की पर्याप्त राशि जमा नहीं की जाती तब तक कोई छूट नहीं मिलेगी। NBC न्यूज के लिए दिग्रस से जुबेर खान की रिपोर्ट।